हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज उमेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है एट द बिहेस्ट ऑफ। गाइज, एट द बिहेस्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्या मतलब होता है इसका, चलिए देखते हैं। एट द बिहेस्ट ऑफ, गाइज इसका मतलब होता है के कहने पर, जैसे कि मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हियर एट द बिहेस्ट ऑफ यू। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो अपनी माँ के कहने पर खाना बना रही है। शी इज़ कुकिंग फूड एट द बिहेस्ट ऑफ हर मदर। मैंने उसे अपने भाई के कहने पर बुलाया। आई इन्वाइटेड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर। उसने अपने पेरेंट्स के कहने पर उसे चांटा मारा। ही स्लैप्ड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम एट हूज बिहेस्ट का यूज़ करेंगे, जैसे कि तुम वहाँ किसके कहने पर जा रहे हो। एट हूज बिहेस्ट आर यू गोइंग देयर। तुम यहाँ किसके कहने पर आए हो। एट हूज बिहेस्ट हैव यू कम हियर। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।